आज हम बात कर रहे हैं समीर महाजन साहब से, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट हैं नर्मदापुरम संभाग से, हरदा तशरीफ लाए हैं। पोस्ट ऑफिस से मुतालिक बहुत सी जानकारियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ सुझाव और कुछ जो रीति नीतियाँ नई लागू होने वाली हैं उन्हीं से संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं समीर महाजन साहब से। हरदा में पहले दो पोस्ट ऑफिस अतिरिक्त हुआ करते थे, वो पोस्ट ऑफिस आज की स्थिति में बंद हैं। हरदा वनांचल में जो रहटगांव क्षेत्र है वहाँ 75+ गांव होने के बावजूद केवल रहटगांव में एक अकेला पोस्ट ऑफिस है। इन सभी बातों को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे समीर महाजन साहब से। जी बताएं। नमस्ते। रहटगांव क्षेत्र डाक विभाग अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहता है हमेशा, और रहटगांव क्षेत्र में जिला प्रशासन के समन्वय के साथ मिलकर हमने कोशिश की है और अभी लगभग 40 नए ब्रांच ऑफिसेस हम वनांचल वाले जो क्षेत्र है उसमें, रहटगांव हो गया, सिवनी मालवा, टिमरनी, इवन खिरकिया, तो हरदा जिले के जो जहाँ जहाँ पे एरिया में जहाँ जहाँ पे लोग वंचित है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से शाखा डाकघर खुलवा कर डाक विभाग की सभी सेवाएँ हर एक तबके तक पहुँचे, और उस विषय में हम लोग अभी दर्पण 2 का हमारा नया डिवाइस भी आ चुका है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के एंड तक ही हमारा ये सुचारू हो जाएगा, और इस साल से जो दिवाली आएगी वो एक खुशियों के साथ वनांचल क्षेत्र में भी एक खुशियाँ डेफिनेटली डाक विभाग भी इंश्योर करेगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन के समन्वय में माननीय कलेक्टर महोदय का हमको जैसा आदेश था, तो हमने अलग अलग जगह पे शिविर लगाए थे, और शिविर के माध्यम से एक दो दिन के शिविर के माध्यम से हमने डाक विभाग की और जिला प्रशासन भारत सरकार की सुविधाएं पहुंचाई थी जनमानस तक। लेकिन हमारा अभी प्रयास है कि ये एक दो दिन का शिविर की जगह हम लोग एक संचालित व्यवस्था वहाँ पे करें, ताकि जब भी लोगों को आवश्यकता हो तो वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से अपनी सभी हितग्राही अपनी सेवाओं का लाभ ले सके। डाक विभाग अभी एक डाक चौपाल के माध्यम से भी सभी प्रकार की सुविधाएं, वो फिर हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो, लाडली बहना योजना के लिए हमने जो IPPB जो है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें एक ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, साथ में अभी हॉस्पिटल कैश का एक नया प्रोडक्ट भी आया है, हम लोग साथ में अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का महिला सम्मान बचत निधि बचत पत्र ये भी एक सुविधा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो डाक चौपाल के माध्यम से हम लोग ग्राम पंचायत और आसपास के क्षेत्र के जो भी स्कूल के बच्चे हैं, स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, या फिर अभी फिलाटेली का जो भी स्टैम्प कलेक्शन का एक जो नई हॉबी है वो हम बच्चों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और साथ में सभी ग्रामस्थों तक डाक चौपाल के माध्यम से जो भी हमारी विभिन्न सुविधाएं है एक छत के अंदर, वो हम लोगों तक जानकारी पहले देना चाहेंगे और वहाँ पे हम लोग मुहैया कराएंगे। अभी रिसेंटली हमने मेरे संभाग नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर जिला, नर्मदापुरम जिला और हरदा जिला, यहाँ पे जो हमारे कारागृह है वहाँ पे कैदियों का भी हमने आधार अपडेशन करवाया है, साथ में वहाँ पे जो महिला कैदी है उनका भी हमने महिला सम्मान, साथ में लाडली बहना अकाउंट्स खुलवाने के लिए कोशिश की है। जो भी मुलाकात का समय रहता है, परिजन जो मिलने आते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड काउंटर, हफ्ते में कोई भी एक दिन एक डेडिकेटेड काउंटर लगाया है, ताकि जमा या फिर निकासी के लिए जो हमारे ग्राहक लोग हैं, जो आम जनता है, उनको भागदौड़ ना करनी पड़े। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि डाक विभाग भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है और वो तत्पर है हमेशा। यहाँ पे भी सभी सदस्य कोशिश कर रहे हैं, वो डिजिटल माध्यम से हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमको पर्याय उपलब्ध है उस माध्यम से हम लोग समाज के
अंतिम छोर तक पहुंच के उनको जो भी आवश्यक सुविधा है उनको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखने में आ रहा है कि डाक विभाग की एक बहुत ही महती स्कीम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें जो हितग्राही वाली जो भारत शासन की या प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को का जो भी भुगतान है या जो भी जमा राशि है वो इस खाते में आ सकती है। लेकिन वनांचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, वहाँ अगर आपके विभाग के कोई कर्मचारी जाते भी हैं किसी के अनुरोध पर कि पेमेंट वगैरह उनको निकाल कर देना है, या जैसे मनरेगा का भी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, अदरवाइज़ जैसे अभी अमृत सरोवर योजना मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है, उसमें भी मनरेगा के कर्मचारी काम कर रहे हैं। दीगर अभी ये गैस की सब्सिडी वाला मामला आया, तो इन सभी योजनाओं के लिए अगर नेटवर्क कवर्ड एरिया में आपके कर्मचारी जाते हैं तो ही लोगों को सहूलियत हो पाएगी। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है और क्या आपने जिला प्रशासन से इस संबंध में चर्चा की? नहीं, आपका मुद्दा एकदम काफ़ी विचाराधीन रहा है। जिला प्रशासन और डाक विभाग का समन्वय साथ के ही हमने अभी जो नए ब्रांच पोस्ट ऑफिस हम खुलवा रहे हैं, तो हम लोगों ने जो सूची भेजी है वो सूची हमने हमारे जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहाँ से ही जानकारी दी है, ताकि जिला प्रशासन का जहाँ जहाँ पे नेटवर्क प्रचार प्रसार करने का प्लान होगा भविष्य में, उसी के आसपास हमारा डाक विभाग भी खुल जाए, ताकि आपसी समन्वय से हम लोग, मतलब उद्देश्य जो हमारा जिला प्रशासन और डाक विभाग का है, तो हम लोग ईश्वर करा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी अभी नेटवर्क सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा टावर प्रस्तापित किए जा रहे हैं उसी के आसपास के नज़दीक क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे, और हमें जिला प्रशासन की तरफ से वो भी जानकारी मिल अच्छी, मतलब सहायता पूर्ण है कि ये एरिया में ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक जैसे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी काफ़ी वाकिफ है अपने प्रदेश से, तो दोनों का ही हम लोगों ने एक तालमेल बिठाया है, ताकि इंश्योर हो सके कि डिजिटल माध्यम हो या फिर ऑफलाइन माध्यम हो, हम लोग सेवाएं प्रदान करने में केवल तकनीकी समस्या से पीछे ना रहे। तकनीकी समस्या समय के साथ वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। हम लोगों को इंश्योर इतना कराना है डाक विभाग के माध्यम से कि जिला प्रशासन और डाक विभाग और भारत सरकार की सभी योजनाएँ सभी कर्मचारियों को हमारी जो आम जनता है उन पे भरोसा पैदा करना उनके साथ, तो हमारा एक वो प्रयास है। अभी जो अगले महीने से हमारे जो 40 नए लगभग शाखा डाकघर खुलेंगे, तो इसके माध्यम से एक काफ़ी बदलाव आपको ज़रूर नज़र आएगा। और राहड़गांव क्षेत्र में विशेषता जो जिला प्रशासन का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहाँ पे उनका ध्यान है, और हम लोग पिछले एक साल से लगभग वहाँ पे एक कायदा SOB खुलवाने की प्रोसेस में है, तो वो भी मैं मानता हूँ कि वो शीघ्र से ही ओपन होगा। तो शाखा डाकघर के साथ में एक पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हमारे सभी सुविधाएं आपको जमा निकासी एवरीथिंग आप वहाँ पे भी कर पाएंगे, तो एक भविष्य का मुद्दा है सर। एक प्रश्न और है कि डाक विभाग के द्वारा एक डाक पहचान पत्र भारत का आम नागरिक को दिया जाता था, उसका कुछ शुल्क लिया जाता था और उसको प्रदान किया जाता था, वो अब बनना बंद हो गया है, उसकी क्या वजह है वो स्पष्टीकरण बताएं आप। इस विषय में मैं मतलब उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन सक्षम अधिकारियों का ही आदेश होगा। हम लोग अगर ये सुविधा सभी आमजनों के लिए हितकारी है तो जिनका भी निवेदन आएगा हम लोग उसको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, तो आप देख रहे थे
मिस्टर समीर महाजन साहब को और डाक विभाग से संबंधित जो लोगों में भ्रांतियां हैं, जो कुछ संशय थे, कुछ प्रश्न थे, उनको हमने इस न्यूज़ के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है। यदि आपके पास कोई इस विभाग से संबंधित, डाक विभाग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम इन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और चाहेंगे कि आप लोगों की समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज। एक छोटा निवेदन करना जी बताए, इस विषय में एक निवेदन करना चाहूँगा मैं। निवेदन है हमारे सभी ग्राहक वृंदों से, हमारा एक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जितने भी शाखा डाकघर है वहां पे हम लोग प्रवर अधीक्षक हो गए या फिर हमारे साथ श्रीराम भाई है उप संभागीय निरीक्षक, उनका नंबर, मेल ओवरसियर का नंबर और वहां के शाखा डाकपाल का भी मोबाइल नंबर हम लोग चिपकाएंगे, वो अवेलेबल रहेगा आपको। और अगर जैसे वनांचल वाला क्षेत्र है जहाँ पे फिक्स समय सीमा में अगर ग्राहकों को उपस्थित होना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल नंबर से भी कॉल करके, आप जहां पे हो हम कोशिश करेंगे कि डाक विभाग आपके डोर स्टेप तक पहुँच कर आपको सुविधाएं दे। आपकी कोई शिकायत हो या फिर आपका कोई भी सुझाव हो, हम लोग दोनों के लिए ही आपके हमेशा आभारी रहेंगे और कनेक्शन के लिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि सभी डाक शाखा डाकघर में बीओ विजिबिलिटी का हमारा एक जो नया इनिशिएटिव है माननीय डीजी साहब के गाइडेंस में, तो उसके माध्यम से हरदा में हर शाखा डाकघर में भी हम लोग बीओ विजिबिलिटी में ये इंश्योर कराएंगे। आप मतलब मैप पे भी जियो टैगिंग्स देख सकते हैं, तो ये कोशिश हमारी तरफ से हो रही है और ये जियो टैगिंग हम जिला प्रशासन के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि एक समन्वय बना रहे।